दोस्तों आप लोग क्रिकेट के मैचों में आप लोग ने देखा होगा कि LBW आउट, रन आउट और क्लीन बोल्ड आउट होते हुए, लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये देखे हैं कि एक ही गेंदों में एक ही खिलाड़ी को दो बार आउट किया जाता है लेकिन फिर भी उन्हें नॉट आउट दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आखिरकार पूरी खबर क्या है। दोस्तों आप भी जानना चाहते हो कि आखिरकार एक ही गेंद में दो बार कैसे आउट हुआ और कौन से खिलाड़ी है जो कि दो बार आउट होने के बावजूद उन्हें फिर से भी नॉट आउट दिया गया। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पावर स्टार साउथ अफ्रीका के पावरफुल बैट्समैन रायलू रूसो के बारे में, जिन्होंने एक ही गेंदों में दो बार आउट हुए लेकिन दोस्तों उन्हें अंपायर ने दोबारा नॉट आउट दिया। दोस्तों बात है बिग बॉस की, जहां पे सिडनी थंडर के लिए रायलू रूसो खेलते हैं और दोस्तों सिडनी थंडर ने 20 ओवर में 274 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, लेकिन दोस्तों यह बात है 11.5 ओवर की, जहां पे गेंदबाज ने गेंद डाली और रायलू रूसो ने मारने की कोशिश की और पैड में जाकर गेंद लग गया। उसी टाइम अंपायर ने उन्हें आउट का इशारा दे दिया और आउट का हाथ उठा दिया, लेकिन दोस्तों घबराकर रायलू रूसो ने अपना रनिंग स्टार्ट कर दिया और रन लेना शुरू कर दिया। उसी टाइम फील्डर ने डायरेक्ट थ्रो मार के उन्हें रन आउट कर दिया, लेकिन दोस्तों क्रिकेट के इस नियम ने रायलू रूसो को बचाया। क्रिकेट का नियम यह कहता है कि अगर अंपायर LBW जब हुआ उसी टाइम हाथ उठा दिया तो वह सिर्फ LBW का ही अपना चेक करेगा, अगर अंपायर अगर हाथ नहीं उठाते तो उन रन आउट जरूर होते, लेकिन दोस्तों अंपायर के हाथ उठाना ही रायलू रूसो को बचा लिया। यानी और दोस्तों क्रिकेट का नियम यह कहता है कि अगर कोई भी बल्लेबाज LBW होता है, अगर उसी टाइम अंपायर उन्हें LBW आउट करार देते हैं, उसके अलावा या तो वह कैच हो जाए या रन आउट हो जाए, उसका इसमें कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों इसी के चलते रायलू रूसो ने आज अपना दो बार आउट होने के बावजूद वह नॉट आउट रहे। और दोस्तों रायलू रूसो ने अपना DRS का भी मांग किया, जिनमें वह साफ साफ दिखा रहा था कि वह गेंद विकेट से हिट नहीं कर रही है और वह नॉट आउट है। इसके वजह से रायलू रूसो को अंपायर ने नॉट आउट दिया और दोस्तों वह रन आउट जो कि इस नियम के आधार पर रन आउट को नहीं माना गया। और दोस्तों इस नियम यही कहता है कि कोई बल्लेबाज जब उन्हें आउट दे दिया गया, जिसके लिए आउट दिया गया, उसी को सिर्फ यहाँ पे चेक किया जाएगा, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं चेक की जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग इस नियम को पहले से जानते थे? अगर जानते थे तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे।